एवरीवन, वेलकम टू विनकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। विनकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड नृत्य एवं गायन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उनके आंसर क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन है, साजन सजनई नृत्य कहाँ किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं मंडला, सिवनी, बघेलखंड, बालाघाट। तो साजन सजनाई जो नृत्य है, ये नृत्य किया जाता है बघेलखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धोबी समाज के द्वारा बुंदेलखंड में विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? धोबी समाज के द्वारा बुंदेलखंड में विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य पूछा है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं धीमरियाई नृत्य, बधाई नृत्य, कहरा नृत्य, कानड़ा नृत्य। तो धोबी समाज के द्वारा बुंदेलखंड में पूछा गया, बुंदेलखंड में विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है कानड़ा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, झालरिया एवं झोला किस कानड़ा नृत्य के हिस्से हैं? मंडलिया, आड़ारूढ़ा, डंडा, गणगौर। तो झालरिया एवं झोला गणगौर कानड़ा नृत्य के हिस्से हैं। लावड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी किस क्षेत्र में गाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं बुंदेलखंड, मालवा एवं निमाड़, बघेलखंड, जबलपुर जिले में। तो जो लावड़ी है, लावड़ी गाई जाती है मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राई नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है मालवा, खंडवा, निमाड़, बुंदेलखंड। तो राई नृत्य जो है वो आपका किया जाता है बुंदेलखंड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया राई नृत्य के बारे में। तो राई नृत्य जो है वो आपका बुंदेलखंड में किया जाता है। गोंड एवं बैगा आदिवासियों द्वारा देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? कर्मा, परधोनी, केमली और राई। तो गोंड एवं बैगा आदिवासियों के द्वारा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य ये है आपका कर्मा नृत्य। मटकी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? मटकी नृत्य है समूह प्रकार में। मटकी जो नृत्य है वो आपका समूह बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। मध्य प्रदेश का जीआई मार्क वाला वस्त्र कौन सा है? सूती साड़ी, कोटा साड़ी, चंदेरी साड़ी, बनारसी साड़ी। तो मध्य प्रदेश का जीआई मार्क वाला वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जीआई मार्क वाला वस्त्र है चंदेरी साड़ी। मसणिया गीत किस अवसर पर गाया जाता है? किसी भी त्योहार पर, दिवाली पर, होली पर, आत्मा की अमरता के लिए व्यक्ति की मृत्यु पर। तो मसणिया जो गीत है वो आत्मा की अमरता के लिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर इस गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी गायन कहां पर प्रचलित है? विदेशी गायन बघेलखंड में प्रचलित है। ऑप्शन दिए हुए थे मालवा अंचल, निमाड़ अंचल, बघेलखंड, बुंदेलखंड। तो विदेशी गायन जो है वो आपका बघेलखंड में बहुत प्रचलित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9752730392।